हेलो एंड वेलकम टू माय रिव्यू ऑफ बिग बॉस मराठी। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग रहा और थोड़ा बोर भी हुआ, सो इट वाज एन एवरेज एपिसोड आई वुड से। इन द बिगिनिंग यू नो ऑल द हाउसमेट्स वर सीन डिस्कसिंग द बिग इश्यू दैट बॉदर्ड देम। दैट वाज द कमेंट दैट सई हैड मेड अबाउट रेशम डायरेक्टली टू महेश मांजरेकर कि हुकुमशाही के टास्क के दरमियान जब मेघा को कपड़े धोने के लिए सब लोग कपड़े दे रहे थे तो अपेरेंटली रेशम ने जो पूरा बंडल दिया था सेइंग कि मैं माजा टास्क करते, जबकि बाकी सब ने एक एक ही दिया था, तो अपेरेंटली इन दैट बंडल ऑफ क्लोथ देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट गारमेंट एज वेल। तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी बिकॉज वो डायरेक्टली टास्क के बाद किसी ने डायरेक्टली रेशम को इसके बारे में पूछा नहीं था। मेघा ने आके सही को बताया था कि दिस गारमेंट वॉज देयर इन द बंडल एंड या शी फेल्ट ऑफेंडेड अबेट करके, और सही को बताया तो सही वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री अबाउट इट, बट उन्होंने रेशम को इसके बारे में कन्फ्रंट नहीं किया, घर में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया एंड डायरेक्टली दिस टॉपिक वॉज ब्रॉट अप इन फ्रंट ऑफ महेश मांजरेकर एंड दैट टू सई। मेघा ने नहीं बताया, सई ने बताया, विच इज़ वाई रेशम वॉज वेरी ऑफेंडेड, जिसकी वजह से यू नो आपने देखा होगा कि कल के एपिसोड में जो बरस पड़ी थी रेशम ने एंड शी वॉज वेरी अपसेट एंड एंग्री अबाउट इट, इतना तक कि तिने सांगितलं होतं आता मी त्यांच्याशी बोलणारच नाही आहे, बाहेर पडल्यावर मला त्यांचं तोंड पण बघायचं नाही अँड ऑल दॅट। ऑब्व्हियसली इट्स क्वाईट अंडरस्टँडेबल, अब उसने जानबूझ के किया है या नहीं दैट वी डोंट नो, ओनली रेशम नोज अबाउट दैट, बट वी कैन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। अनदर थिंग इज, अगर ये मुद्दा उठाना ही था तो मेघा शुड हैव टेकन इट एंड नॉट सई, तो सई ये मामले में शी वॉज रॉन्ग दैट शी शुड नॉट हैव ब्रॉट द टॉपिक अप बिकॉज इट वॉज बिटवीन रेशम एंड मेघा, ओनली दे न्यू व्हाट हैड हैपेंड नाउ, सो दैट टॉपिक वॉज अंडर डिस्कशन एंड रेशम स्मिता के साथ बोल रही थी द सेम थिंग दैट शी इज नॉट गोइंग टू टॉक टू देम, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था और मेघा एंड शर्मिष्ठा सब लोग बोल रहे थे सई को कि उसने गलत किया ये टॉपिक निकाल कर, शी शुड नॉट हैव स्पोकन अबाउट इट, तो माफ़ी मांगो एंड ऑल दैट। तो आज के एपिसोड में शुरुआत में वही दिखाया गया है कि सई ऑल्सो फील्स दैट येस शी डिड अ मिस्टेक एंड शी नीड्स टू अपॉलोजाइज, म्हणून ती एक मोठा प्लॅकार्ड वर तिचा आय लाइनर घेऊन आय एम सॉरी रेशम ताई लव सई म्हणून लिहिलं तिने, विच इज अ नाईस जेस्टर अँड शी ऑल्सो टूक अ पिंक रोज अँड कॅमेरा के सामने भी बोला की आय कॅनॉट गो अँड टेल हर डिरेक्टली बिकॉज शी डझंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, दॅट इज आय एम डुईंग दिस ॲज अ जेन्युइन जेस्टर ऑफ अपॉलॉजी, म्हणून तिने जाऊन रेशमच्या बेडमध्ये ठेवलं। द नाईस थिंग अबाउट इट वॉज आस्ताद सॉ ऑल दिस हॅपनिंग अँड ही अप्रिशिएटेड दिस जेस्टर, ही टोल्ड सई दॅट दिस वॉज अ रिअली नाईस जेस्टर, एव्हरीबडी लाईक दॅट ओके, अँड मेघा को अपना ये डालना हे ता मले मी त्याला सांगितलं होतं सॉरी म्हणपणे, जे काय केलं ते मी सांगितलं नव्हतं, कशा पद्धतीने सॉरी म्हणायचं ते काय मी सांगितलं होतं ते सगळं तिचंच होतं, मी फक्त सांगितलं होतं की तिचं सॉरी म्हणून, सो दॅट्स मेघा फराज। ये सब हुआ अँड ऑफकोर्स कॉल्स के बारे में चर्चे हो रहे थे अँड ऑल दॅट, दॅट्स नॉट व्हेरी इंटरेस्टिंग। फिर आई बारी नॉमिनेशन के बारे में एंड ऑब्वियसली घर में यही चर्चा हो रही थी कि बस किसको कैसे नॉमिनेट करना है, नॉमिनेट करना है, अभी रेशम को नॉमिनेट नहीं कर सकते तो ब्ला ब्ला ब्ला, सब लोग वही डिस्कस कर रहे थे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस वाई बिग बॉस इज एनकरेजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे आर ऑल डिस्कसिंग नॉमिनेशन, एवरी वन शुड बी नॉमिनेटेड। फिर आया महा ट्विस्ट, जब नॉमिनेशन टास्क अनाउंस हुआ तब धक्का, नंदकिशोर इज सेव्ड फ्रॉम बीइंग नॉमिनेटेड, दिस इज सो अनफेयर आई फील। तो बिग बॉस का ये अनाउंसमेंट था कि हुकुमशाही टास्क के दौरान बिग बॉस ने उसको कुछ टास्क दिए थे एंड ही हैज़ डन इट सक्सेसफुली, जिसकी वजह से ही कैनॉट बी नॉमिनेटेड इन द नेक्स्ट वीक, सो नो वन कैन नॉमिनेट हिम। तो नंद किशोर रिमेन्स इन द हाउस, रेशम रिमेन्स इन द हाउस, वाह बिग बॉस वाह, पिछले हफ्ते आपने वोटिंग लाइन्स क्लोज किए इस डर से कि उनके ग्रुप से कोई निकल ना जाए, इस हफ्ते दोनों को बचा के रख दिया ताकि निकल ना जाए, आप कितने लोगों को इस तरह पाल पोस कर रखने वाले हो अंदर,
I really don't understand why Nandkishor has been saved from nomination, especially in the manner in which he has performed. He didn't deserve that at all. So this is a rude shock to all the viewers, I'm sure. About the nomination task itself, they are put in pairs. Even though Nandkishor cannot be nominated, he will still participate in the task because ye pairs mein kar rahe the. Pairs were Sharmishta and Au, Pushkar and Megha, Smita and Nandkishor, and Astar and Sai. The task was stand pe, there is a conical container aur usme white sand bhar ke rakha hai. A tap niche hai. We've seen this last BB11 mein bhi similar task humne dekha hai. Aur bahut achi tarike se unhone perform bhi kiya tha. Yahan pe wo hai, you have to protect it. Basically, you have to see at the end of the task, jiske container mein maximum sand rahenge, they will be the winner. So they will not be nominated and all the others will be nominated. टास्क के दौरान सही का जो एक एक ब्रेन वेव्स है, आई डोंट नो वेदर वन कैन कॉल इट स्टुपिडिटी और एनीथिंग, बट आई जेन्युइनली फील दैट एटलीस्ट शी इज ब्रिंगिंग सम फ्रेशनेस टू एवरी टास्क. वो मतलब इतना अतरंगी सोचती है ना, वो कुछ ना कुछ अजीब ही, किसी को ख्याल नहीं आएगा वो उसको आएगा. टास्क शुरू होते उसने बोला, उसने आस्ताद को इशारा किया था कि हम लोग टिश्यू लेके आओ, हम लोग टिश्यू डाल देंगे करके, शी हैड केप्ट. Then was up and the first round of task ho raha tha, unfortunately Smita aur uske beech mein jo bhi ho, Smita was trying to take the sand out and Sai zor se aake she tried to stop it, usme to pura container gir gaya. Sanchalak Resham, she did not want to take a decision by herself, to usne Big Boss ke upar dala. Big Boss ne teenon ko andar bulaya and there, thank God, Resham actually said ki we cannot blame any one person, it was an accident, dono ki taraf se hua hai. इसके लिए दोबारा टास्क शुरू हुआ. द गुड थिंग इज, जब टास्क दोबारा शुरू हुआ, द सैंड लेवल्स वर केप्ट एट द सेम बिफोर दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस. तो ये जब एक्सीडेंट हुआ, जब कंटेनर सही का कंटेनर गिरा, उसके पहले मैक्सिमम सैंड स्मिता और किशोर के कंटेनर से गिर गए थे, इट वॉज लेसर इन देट और इनका गिर गया था. सो दे मेंटेन दैट सेम लेवल्स एंड द टास्क कंटिन्यू. अब यह ब्रेक के आने के बाद सही अगेन उसका मास है, उसने एक सम काइंड ऑफ अ ब्लॉक पाइप लेके आई एंड शी हैड पुट दैट वो वॉल के अंदर ताकि सैंड ना निकले. शर्मिष्ठा को एक्चुअली डाउट आया, बोले कि इस तरह से बराबर निकल नहीं रहा है, कुछ तो ब्लॉक झाला है, वट देखा तो देयर वाज अ ब्लॉक. उसके बाद फिर से ठीक से नहीं आ रहा है. दैट टाइम रेशम ने जाके चेक किया तो एक टिश्यू को पूरा रोल करके उसने डाला था. और सही का बात भरा था, टास्क में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट ब्लॉक योर the valve of your container. चातुर्य वापरात, मी दिस इज माई वेट, दिस इज माई इंटेलिजेंस, मी माझं चातुर्य वापरते. बट संचालक को ये वरा नहीं था, उसने बोला कि ये नहीं चलेगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया, बट शी जस्ट टुक अवे ऑल दोज ब्लॉक मटेरियल्स दैट सही वॉज यूजिंग टू ब्लॉक द वॉल. टास्क वैसे दोबारा कंटिन्यू हुआ. देवर बहुत बकवास खेल रहे थे. आई डोंट नो कि ये कौन सा रूल, किसने रूल बनाया कि जब कोई तुम्हारे टैंक, यू नो, आपके कंटेनर से अगर सैंड निकालने के लिए आएंगे तो आप उनको टच करके स्टॉप बोलो तो दे कैन नॉट टेक. तो ऐसे तो होगा ही नहीं यार टास्क, सब लोग खाली एक जगह पे बैठे रहो, अगर कोई आया टच किया तो उसको टच करो स्टॉप. तो इट वॉज वेरी बोरिंग, बहुत ही बकवास खेला उन्होंने. सही का ही सिर्फ थोड़ा एंटरटेनिंग मोमेंट्स था, वो अपना गाना गा रही थी, छेड़ रही थी, उसका तो बेस्ट वो ही था क्योंकि पुष्कर के कंटेनर के वहाँ से गए, उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन नीचे जमा किया उसको एक चुटकी मिला, वो चुटकी लेके आके भी उसने अपने कंटेनर में डाला एंड देन शी स्टार्टेड. उसका जो ये था, यू नो, एक चुटकी रंगोली की कीमत तुम क्या जानो, नॉमिनेशन से बचने का जरिया होता है एक चुटकी रंगोली. आई मीन शी वॉज एंटरटेनिंग, सो दैट वॉज दी ओनली रिस्पाइट अ व्यूअर गॉट फ्रॉम दैट. इसके अलावा कुछ नहीं हुआ. एंड ऑफ द टास्क में देखा जाए तो पुष्कर और मेघा के कंटेनर में सबसे ज़्यादा सैंड होने के कारण वो लोग नॉमिनेशन से बच गए. आणि या आठवड्यात नॉमिनेट झाले आहेत आऊ, शर्मिष्ठा, आस्तार, सई आणि स्मिता. लेट्स सी कि इस बार वोटिंग लाइन्स ओपन है,
व्यूअर्स किसको बचाना चाहते हैं, कौन जाना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन, कौन जाना चाहिए रादर देन किसको बचाना है. हु डू यू थिंक डिजर्व टू बी इन द हाउस एंड हु डू यू थिंक डिजर्व्स टू बी किक्ड आउट ऑफ द हाउस फॉर देयर बिहेवियर इन द लास्ट 70 डेज. एंड विद दैट, गुड नाइट, शुभरात्रि, बट प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.